नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राज्य में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को मुफ्त में मिलेगी कोरोना वैक्सीन। बिहार के कोरोना मरीजों को नहीं लिखी जाएगी रेमडेसिविर इंजेक्शन। पंचायत चुनाव की तैयारियों पर लगी रोक। बिहार में शुरू होगी संपत्ति स्वामित्व योजना। बिहार में जारी है कोरोना के नाम पर कालाबाजारी। तो चलिए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बिहार के कोरोना मरीजों को नहीं लिखी जाएगी रेमडेसिविर इंजेक्शन। देशभर की तरह बिहार में भी कोरोना के बढ़ते मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर लोग पैनिक हो रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों को देने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं उपलब्ध होने से परिजन इंजेक्शन के लिए अस्पताल से लेकर दवा दुकानों तक खाक छानते फिर रहे हैं। इस बीच राजधानी पटना स्थित NMCH अस्पताल ने इसको लेकर बड़ा फैसला किया है। इसके तहत NMCH के अधीक्षक डॉक्टर विनोद सिंह ने WHO का हवाला देते हुए एक आदेश के तहत कहा कि कोविड मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपयोगिता नहीं है। अधीक्षक ने सभी चिकित्सकों को आदेश दिया है कि अभी से कोई डॉक्टर कोविड मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं लिखेंगे, क्योंकि WHO ने इसकी उपयोगिता को नकार दिया है, जिसकी पुष्टि रिसर्च में भी हो चुकी है कि यह इंजेक्शन कोविड में कारगर नहीं है। आपको बताते चले कि इस इंजेक्शन को लेकर लगातार बिहार में भी लोग पैनिक हो रहे हैं और इंजेक्शन की जमकर कालाबाजारी भी हो रही है। लोग 15 से 25 हजार रुपए में एक फाइल खरीद रहे हैं। राज्य में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को मुफ्त में मिलेगी कोरोना वैक्सीन। देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो जाएगी। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत CM ने ट्वीट कर बताया कि 1 मई से बिहार में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन लगाने के लिए किसी प्रकार का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। बिहार वासियों को राज्य सरकार मुफ्त में कोरोना का टीका लगवाएगी। आपको बता दें कि बिहार में 45 साल से ऊपर के लोगों को भी मुफ्त में कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। कोरोना टीकाकरण अभियान के शुरू होने के साथ ही सरकार ने मुफ्त टीकाकरण का ऐलान किया था। कोरोना संकट को रोकने की व्यवस्था का जायजा लेते हुए हाईकोर्ट ने की सुनवाई। राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर पटना हाईकोर्ट में जस्टिस CS सिंह की खंडपीठ ने कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। इससे पहले राज्य सरकार ने कोरोना संकट को रोकने के लिए की जा रही कार्रवाई के संबंध में एक हलफनामा भी दायर किया था, जिस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी और असंतोष जाहिर किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा कि पटना समेत राज्य के अन्य जगहों पर ऑक्सीजन सिलेंडर समेत मरीजों के इलाज के लिए क्या व्यवस्था है। वहीं बीते दिन बुधवार को कोर्ट में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं एम्स के निदेशक ने NMCH पटना के हालात का जायजा लेने के बाद रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था, जिस पर भी सुनवाई की गई। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को यह बताने को कहा कि बिहार के कोटे में कितने ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। बिहार में मुफ्त टीकाकरण को तेजस्वी यादव ने बताया अपनी उपलब्धि। राज्य में कोरोना लहर के बीच वैक्सीनेशन का काम भी लगातार जारी है और इस बीच सरकार ने 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को भी मुफ्त में वैक्सीन देने का ऐलान कर दिया है, जिसे विपक्षी नेता तेजस्वी यादव अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। इस फैसले पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि शुक्रिया, विपक्ष की वजह से ही सही, लेकिन मुख्यमंत्री देर आए दुरुस्त आए। जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि सभी जानते हैं कि आपके कथनी और करनी में हमेशा भारी फर्क रहा है। वहीं उन्होंने सरकार से सवाल किया कि 10 करोड़ आबादी के टीकाकरण के लिए उनके पास पूरा प्लान क्या है, या फिर 19 लाख नौकरी रोजगार की तरह इसे भी घोषणा मात्र ही समझी जाए। पटना में पराली से बनकर तैयार हुआ कोविड अस्पताल। राजधानी पटना से सटे मसाडी गांव में महज 80 दिनों में ही 50 बेड की क्षमता और मरीजों के लिए सुविधाओं से लैस अस्पताल पराली और धान की भूसी की मदद से बनाया गया है, और यह काम किया है गोरखपुर के रहने वाली श्रीति ने। देश की इस होनहार बेटी ने पराली और फूस से अस्पताल तैयार किया है, जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली और कार्बन डाइऑक्साइड से भी मुक्त है। 50 बेड वाले इस अस्पताल में फिलहाल सभी 50 बेडों पर कोविड के मरीजों का इलाज चल रहा है। न्यूयॉर्क से कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में मास्टर्स करने वाली श्रीति को इस उपलब्धि के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स में एशिया के 30 सबसे मेधावी लोगों की सूची में भी शामिल किया गया है। श्रीति ऐसे और भी अस्पताल बनाने में सरकार की मदद चाहती है, जिससे वेस्टेज से अस्पताल बनाकर मरीजों का समुचित इलाज हो सके। पुलिस वालों में संक्रमण के लक्षण दिखने पर मिलेगी छुट्टी। कोरोना की दूसरी लहर काफी तेजी से लोगों को अपने चपेट में ले रहा है, जिसे लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय में भी पुलिस कर्मियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है, जिसे लेकर अब मुख्यालय की ओर से आदेश जारी किया गया है। इसके तहत कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर कोई पुलिसकर्मी छुट्टी के लिए आवेदन करता है तो उस पर विचार किया जाएगा, ना कि उसे यूं ही खारिज कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें होम क्वारंटीन रहना होगा। पुलिस लाइन में यदि कोई संक्रमित पाया जाता है तो उसे तुरंत आइसोलेट किया जाएगा और अलग रखने की व्यवस्था की जाएगी, और इनके लिए मेज से लेकर शौचालय तक बाकी पुलिस कर्मियों से अलग होगी। इसकी मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तर पर नोडल पदाधिकारी भी बनाए गए हैं।
बिहार में शुरू होगी संपत्ति स्वामित्व योजना। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, एमपी, यूपी और उत्तराखंड के बाद अब बिहार में भी संपत्ति स्वामित्व योजना को लॉन्च किया जाएगा, जिसे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह के मौके पर 24 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी इसे लॉन्च करेंगे। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सर्वे होगा और मैपिंग की जाएगी, फिर लोगों को उनकी संपत्ति यानी कि भूमि व मकान का एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा, जिसमें उनकी भूमि से संबंधित पूरी जानकारियां रहेंगी। इस प्रॉपर्टी कार्ड की मदद से आप बैंकों में लोन की सुविधा भी ले सकेंगे। इसके साथ ही उनके पास अपनी संपत्ति का एक रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। इस बाबत भारत सरकार से बिहार के मुख्य सचिव को एक पत्र भी लिखा गया है। इसमें 24 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री, भूमि एवं राजस्व मंत्री तथा संबंधित आला अधिकारी को ऑनलाइन रूप से इस कार्यक्रम से जुड़ने का आग्रह किया गया है। पटना में बनेगी ऑटोमेटिक मल्टी लेवल पार्किंग। पटना में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए बहुत जल्द अंडरग्राउंड के साथ ही साथ मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था देखने को मिलेगी। पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से लोग जहां तहां गाड़ियों को खड़ा कर देते हैं, इसकी वजह से ट्रैफिक जाम के साथ ही लोग भी परेशान होते हैं। इन सबके बीच स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर की पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पटना को स्मार्ट बनाने के लिए नगर विकास विभाग कई योजनाओं पर काम कर रही है। इसके तहत मौर्या लोक के सामने और टमटम पड़ाव गांधी मैदान के पास पार्किंग का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जिसके लिए मई के पहले सप्ताह में निविदा जारी होगी। इसके तहत बोर्डिंग कैनाल रोड में ऑटोमेटिक मशीन द्वारा संचालित मल्टी लेवल पार्किंग का प्लान तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही शहर को स्मार्ट बनाने की कवायद में शहर में आधे दर्जन जगहों पर मल्टी लेवल ऑटोमेटिक पार्किंग और अंडरग्राउंड पार्किंग की योजना तैयार की जा रही है। पंचायत चुनाव की तैयारियों पर लगी रोक। बिहार में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव पर अब कोरोना ग्रहण लग चुका है। बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने कल से होने वाले 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। आयोग के आदेश के मुताबिक राज्य के अलग अलग प्रमंडलों में 22 से 24 अप्रैल के बीच निर्वाची पदाधिकारियों सहित अन्य चुनाव कर्मियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम को रखा गया था, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होना था, लेकिन हालात को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने इस प्रोग्राम को फिलहाल स्थगित कर दिया है। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने 15 दिनों के बाद स्थिति की समीक्षा करने की बात भी कही है। वहीं अधिसूचना जारी करने की तैयारियों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। आयोग के इस फैसले के बाद यह भी संभावना जताई जा रही है कि पंचायत चुनाव को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। नाइट कर्फ्यू को लेकर भाजपा और जदयू के बीच छिड़ी जंग। सूबे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाइट कर्फ्यू के फैसले को लेकर इनकी ही सरकार के नेताओं के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। नाइट कर्फ्यू को लेकर बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की आपत्ति को लेकर अब जदयू और भाजपा आमने सामने आ गई है। इसे लेकर एक तरफ जदयू के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने संजय जायसवाल को नसीहत दी थी कि संकट की घड़ी में राजनीति नहीं करें, वहीं अपने प्रदेश अध्यक्ष के बचाव में बिहार के पंचायती राज मंत्री अब खुलकर सामने आ गए हैं। भाजपा के मंत्री चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें सिखाने की आवश्यकता नहीं है, अभी वह नए नए मुसलमान बने हैं, इसलिए ज्यादा प्यास खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को यह बताने की जरूरत नहीं है, हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता संकट की स्थिति में लोगों की सहायता करने के लिए जी जान से जुटा हुआ है, इसके लिए किसी की नसीहत की जरूरत नहीं है। सुशांत की जिंदगी पर बन रही फिल्म का मामला पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट। दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी पर बन रही फिल्म न्याय द जस्टिस पर रोक लगाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुशांत के पिता ने याचिका दाखिल की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। हाल ही में इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है, जिसमें सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का किरदार भी दिखा है। आपको बता दें कि दिलीप गुलाटी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को लेकर काफी बवाल भी मचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म को बनाने के लिए सुशांत के परिवार से किसी तरह की इजाजत नहीं ली गई है। वहीं फिल्म के निर्माताओं का कहना है कि सुशांत का केस पब्लिक डोमेन में है, इसलिए इजाजत का कोई सवाल नहीं उठता है। दूसरी तरफ टीजर रिलीज के बाद सुशांत के परिवार बेहद नाराज है। बिहार में जारी है कोरोना के नाम पर कालाबाजारी। कोरोना काल में स्वास्थ्य को लेकर पिछले कुछ महीनों में पल्स ऑक्सीमीटर, नेबुलाइजर व पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग 80% से भी ज्यादा बढ़ गई है। वही डिमांड बढ़ने के साथ ही सप्लाई चेन में भी कमी देखी जा रही है, जिससे आमतौर पर कई उपकरणों और दवाइयों के दाम को भी बढ़ा दिया गया है। जहां पहले नॉर्मल पल्स ऑक्सीमीटर 300 से 400 के करीब मिलता था, तो वहीं अब 700 से 800 रुपये के करीब इसका दाम पहुंच गया है। वहीं ब्रांडेड पल्स ऑक्सीमीटर 1200 से
1800 की जगह 1500 से 3000 रुपए के बीच मिल रहा है, तो वहीं नेबुलाइजर के दाम में भी 400 से 1000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर 3000 से 4000 के बदले 7000 से 10000 रुपए तक में उपलब्ध हो रहा है। वहीं इंजेक्शन और मल्टीविटामिन दवाओं, खासकर की इम्यूनिटी बढ़ाने वाली विटामिन सी दवाओं की मांग 80 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाने के कारण मार्केट में इसकी किल्लत होनी शुरू हो गई है। मांग में अचानक आए इजाफे के कारण दवा कंपनियों ने इन दवाओं के दाम भी 15% तक बढ़ा दिए हैं, जिससे मार्केट में ये दवाएं महंगी हो गई है। अगले 24 घंटे में राज्य में है आंधी बारिश की संभावना। बढ़ते तपिश के बाद आज कई दिनों बाद लोगों को तेज हवा बहने के कारण गर्मी से राहत मिली। वहीं अगले 24 घंटे में धूल भरी आंधी के साथ प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंधी और पानी दोनों के आसार बने हुए हैं। IMD सूत्रों के मुताबिक सतह पर पुरवैया और आसमान में 1.5 किलोमीटर ऊपर पश्चिमी विक्षोभ के चलते चक्रवाती सिस्टम सक्रिय है, जिससे हवा में नमी अधिक होने के कारण कई हिस्सों में आंधी पानी की स्थिति बनी हुई थी। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र ने गुरुवार को राज्य के कई हिस्सों में होने की संभावना भी जाहिर की है। वहीं पटना समेत प्रदेश के अधिकतर इलाके में तापमान काफी बढ़ गया था, मगर आज बादलों की आवाजाही के बीच कुछ जिलों में तापमान थोड़ा कम हुआ है। देश में एक दिन में आए रिकॉर्ड 3 लाख से ज्यादा मामले। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर के संक्रमण का आंकड़ा विकराल होता जा रहा है। आलम यह है कि यह हर रोज अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ता जा रहा है। बीते दिन के पिछले 24 घंटे में देश भर से पहली बार 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। बुधवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 3,15,478 नए मरीज मिले। वहीं इस दौरान 2,101 लोगों की जान कोरोना बीमारी से चली गई। वहीं देश भर में कुल एक्टिव केसों की संख्या 22,84,209 हो चुकी है। बुधवार को 1,79,372 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं अगर हम बात बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन के बीते 24 घंटे में 12,222 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल एक्टिव केसों की संख्या 63,746 पर पहुंच गई है। IPL 2021 के 16वें मुकाबले में आज RCB और राजस्थान होंगे आमने सामने। IPL 2021 में आज शाम के मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच 7:30 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में महामुकाबला होने वाला है। यह मैच ज्यादा रोमांचक होगा क्योंकि विराट कोहली की अगुवाई वाली RCB इस सीजन में अब तक एक भी मैच नहीं हारी है। वहीं राजस्थान ने अभी तक सिर्फ एक ही जीत दर्ज की है। RCB के दोनों बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल और AB डिविलियर्स इस समय टॉप फॉर्म में है, जिसकी बदौलत टीम पॉइंट टेबल में बिना कोई हार के दूसरे नंबर पर है। वहीं कोरोना नेगेटिव होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर डैनियल सैम्स भी टीम के साथ जुड़ गए हैं। वहीं राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज मनन वोहरा लगातार फेल हो रहे हैं। वहीं कप्तान संजू सैमसन भी पंजाब किंग्स के खिलाफ शतक लगाने के बाद कुछ खास नहीं कर सके। ऐसे में RCB के खिलाफ यह टीम कई बदलाव के साथ मैदान पर उतर सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार IPL में आज शाम खेले जाने वाले क्रिकेट मैच में RCB और राजस्थान रॉयल्स की टीम में से किस टीम का पलड़ा भारी है। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।